मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं आपके सामने हैं, आने वाले हैं, और आप सारे बच्चे चाहते होंगे कि उसमें सफल हों। तो उस सफलता में जो वर्ड पावर आपका हो कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस वर्ड पावर की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने कुछ प्रयास किए हैं। उन प्रयासों को अगर आप मेहनत करते हैं, उन पर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही आप सफल होंगे। तो शुरू करते हैं आज से पहला अपना वर्ड पावर का सेक्शन, और ये पहला वर्ड है आपका ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस एक एडजेक्टिव है, और अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर पीपल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों की संगति को पसंद करता हो वह एक ग्रेगेरियस पर्सन होता है। मीन्स वह मिलनसार है, हसमुख है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वह एक कन्वीवियल है, वह कंपेनिएबल है, वह अफेबल है। ये कंपेनिएबल समझते होंगे आप, कंपनी से बना है, यानी जो दूसरों की कंपनी को महसूस करता हो, उसमें अच्छा महसूस करता हो, कंपेनिएबल हो। अफेबल जो है वो अफेबिलिटी से बना है। हम इसके स्थान पे एमिकेबल वगैरह भी यूज कर सकते हैं, सोसिएबल भी यूज कर सकते हैं। अगर हम ग्रेगेरियस के एंटोनिम्स की बात करें तो वह एंटी सोशल हो सकता है, वह रेक्लोजिव हो सकता है, वो अनसोसिएबल हो सकता है, वह नॉन ग्रेगेरियस हो सकता है। रेक्लोसिव समझते होंगे, रेक्लूजन से बना है। जब कोई व्यक्ति रेक्लूज में चला जाता है तो फिर इसका मतलब है वो एकांतवासी हो जाता है, वह रेक्लूजन को पसंद करता है। अगर हम इस ग्रेगेरियस के वाक्य प्रयोग को देखें तो हम कह सकते हैं कि अ ग्रेगेरियस चाइल्ड रैन अप टू एवरी पर्च, यानी एक मिलनसार बच्चा था, रैन अप टू एवरी पर्च, यानी वो हर एक व्यक्ति के पास दौड़कर जा रहा था ऑन द प्लेग्राउंड पर, एंड वांटेड टू बी देयर फ्रेंड, और चाहता था कि वह उनका मित्र बने। आप ध्यान देखेंगे कि हमने यहाँ एवरी पर्सन लिया है, लेकिन यहाँ पे देयर फ्रेंड लिया है, क्योंकि फेमिनिस्ट का प्रेशर है कि अगर आपका जेंडर क्लियर ना हो तो आप हिज या हर लेने के बजाय देयर का प्रयोग करें, तो उसी के लिए यहाँ देयर का प्रयोग किया है। यानी जो पहला वर्ड है ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस में हो जाएगा मिलनसार या हसमुख। दूसरा वर्ड है आपके सामने डी डेविल, एक वर्ब है। देखकर के आप समझ सकते हैं कि डेविल जिसके में शैतान या राक्षस होता है जो परेशान करता है, इस डेविल में बी जोड़ करके इसे वर्ब बना दिया गया। जैसे लिटिल से हम बी लिटिल बना देते हैं, ड्यू से हम बी ड्यू बना देते हैं, ऐसे ही डेविल से बी डेविल वर्ब बना दिया गया। इसकी मीनिंग है टू ट्रबल इन अ कॉन्स्टेंट और रिपीटेड वे, टू ट्रबल यानी परेशान करना, इन अ कॉन्स्टेंट निरंतर और रिपीटेड वे बार बार, यानी जब हम किसी को बार बार निरंतर परेशान करते हैं तो हम उसे बी डेविल करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं टू कॉज रिपीटेड प्रॉब्लम्स फॉर, या किसी के लिए बार बार परेशानियां खड़ी करना, तो हम बी डेविल करते हैं। मैं सब उसे सताते हैं, भरमाते हैं, उसे परेशान करते हैं। अगर हम इसके सरनेम्स को देखें तो हम पाएंगे कि बी डेविल का सरनेम एंग्विश हो जाएगा, बीसेट हो जाएगा, अफ्लिक्ट हो जाएगा, एक्सक्रोशिएट हो जाएगा, हार हो जाएगा। यानी चाहे हम एंग्विश करें, चाहे बेसेट करें, चाहे अफ्लिक्ट करें, चाहे एक्सक्रोशिएट करें, चाहे हार करें, सबके मीन्स किसी को परेशान करना, उसे तंग करना। अगर आप इसके एंटोनिम्स की बात करें बी डेविल के, तो आप किसी को कंटेंट करते हैं, किसी को फैसिलिटेट करते हैं, किसी को फर्दरेंस देते हैं, इट मीन्स आप उसे खुशी देते हैं, आप उसे संतुष्टि देते हैं, उसके रास्तों को आसान बना देते हैं। अगर आप बी डेविल के यूज को देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हैव बी डेविल्ड द प्रोजेक्ट, यानी समस्याओं ने इस प्रोजेक्ट को परेशान किया है, इसे खतरे में डाला है, सिंस इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन मीन्स बिगिनिंग या स्टार्टिंग होती है, यानी जो समस्याएं हैं उन्होंने शुरू से ही इस प्रोजेक्ट को परेशान किया है, यानी प्रोजेक्ट के पूरा होने में परेशानी उत्पन्न की है। तो वर्ड हो गया बी डेविल, बी डेविल मीन्स सताना, भरमाना, परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंसोलिडेट, यह एक वर्ब है। जब भी किसी शब्द के अंत में ए टी ई आता है तो नॉर्मली वो एक वर्ब की तरह काम करता है। इस शब्द को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कौन कौन मीन्स साथ साथ होता है, सॉलिड सॉलिड मीन्स ठोस मजबूत होता है, और किसी भी शब्द के अंत में ए टी ई तो वर्ब हो गया। तो कंसॉलिडेट मीन्स टू ज्वाइन आर कंबाइन टूगेदर इन टू वन थिंग,
जब आप कई चीजों को मिलाकर एक चीज में परिवर्तित कर देते हैं तो आप उसे कंसोलिडेट करते हैं, या टू मेक स्ट्रॉन्गर, मीन्स उसे और अधिक मजबूत कर देना। अगर आप कंसोलिडेट के सिनोनिम्स की बात करेंगे तो आप उसे कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, आप उसे पोलराइज कर रहे हैं, आप उसे यूनिफाई कर रहे हैं, या फिर सेंट्रलाइज कर रहे हैं। अगर आप उसे एंटोनिम्स की बात करेंगे तो सेंट्रलाइज के हिसाब से आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं या स्प्रेड आउट कर दे रहे हैं, मीन्स उन्हें यूनाइट करने के बजाय, मजबूत करने के बजाय आप उन्हें अलग अलग कर दे रहे हैं। अगर आप कंसोलिडेट को यूज करेंगे तो रिबेल फोर्सेस, यानी जो विद्रोही सेनाएं थी, हैव कंसोलिडेटेड देयर होल्ड। अगर वर्ब के रूप में आप देखेंगे तो होल्ड मीन्स पकड़ना होता है, थामना होता है, लेकिन अगर आप इसे नाउन के रूप में देखेंगे तो होल्ड मीन्स पकड़, किसी चीज पर आपकी गिरफ्त को कहते हैं। तो रिबेल फोर्सेस हैव कंसोलिडेटेड देयर होल्ड, यानी जो विद्रोही सेनाएं हैं उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है ऑन द रीजन, उस क्षेत्र में, यानी विद्रोही सेनाओं की जो पकड़ है वो कंसोलिडेटेड हो गई, मजबूत हो गई उस क्षेत्र में। तो कंसोलिडेट वर्ब के रूप में मजबूत कर लेना। एक वर्ड है जानते होंगे, इंस्क्राइब करना, किसी चीज पर अंकित करना, खोदना, उस पर अंकित करने की क्रिया करना, तो उसी इंस्क्राइब वर्ब से इंस्क्रिप्शन बना है जो कि एक नाउन है। यहां पे जब भी किसी शब्द के अंत में ION, TION वगैरह आता है तो वो आपके एक वर्ब की तरह, सॉरी नाउन की तरह कार्य करता है। तब मीनिंग देखें तो वर्ड्स दैट आर रिटन ऑन आर कट इनटू अ सरफेस, यानी ऐसे शब्द जो लिखे गए हैं ऑन किसी चीज पर, आर कट इनटू अ सरफेस, या सतह के रूप में काट करके अलग किया गया है, वो इंस्क्रिप्शन होता है, मीन्स शिलालेख या किसी चीज का अंकित करने की क्रिया। हम उसे एनग्रेव कह सकते हैं, उसे सुपर इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं, या एपिग्राफ करते हैं। ध्यान रखिएगा, एपिग्राफ को एपिटाफ से कंफ्यूज ना करिएगा। एपिटाफ वो होता है जो किसी समाधि पर लिखे हुए लेख होते हैं, लेकिन जो एपिग्राफ होता है वो किसी शिला पर लिखा हुआ लेख होता है। जो एपिलॉग होता है वो किसी पोयम या ड्रामा के अंत में जो कुछ लिखा जाता है वो एपिलॉग होता है। जो एपिग्राम होता है वो कोई उक्ति या सुक्ति होती है। जो प्रोलॉग होता है वो किसी प्रस्तावना को कहते हैं, और जो एपिक होता है जिसे हम कहते हैं वो एक महाग्रंथ या महाकाव्य होता है। फिलहाल यहां पे एपिग्राफ का शिलालेख स्थान है। अगर हम इसे यूज को, इंस्क्रिप्शन के यूज को देखें तो हम पाएंगे कि द पेंटिंग हैड एन इंस्क्रिप्शन, यानी वो जो पेंटिंग थी ना उस पर कुछ इंस्क्रिप्शन थे, मीन्स कुछ अंकित था, लिखा हुआ था दैट रेड, जिसे पढ़ा जा सकता था टू माई लविंग वाइफ, मीन्स मेरी प्रिय पत्नी के लिए। यानी इंस्क्रिप्शन जो है वह एक शिलालेख है, अर्थात किसी चीज शिला पर लिखा हुआ, तो इंस्क्रिप्शन शिलालेख। बहुत बार लोगों के व्यक्तित्व या उनके चलन, उनके कार्य जो होते हैं वो घृणित हो जाते हैं, घृणास्पद होते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि घिन आ रही है, मीन्स ऑब्नॉक्सस अगर कोई चीज है तो अनप्लीजेंट इन अ वे, यानी कोई ऐसी चीज जो इतनी बेकार है दैट मेक्स पीपल फील, जो लोगों की ये महसूस कराती है वो अफेंडेड कि उन्हें बुरा लग रहा है, या अनायर वो क्रोधित हो रहे हैं, आर डिस्गस्टेड, या फिर बहुत अधिक घृणा से वो भर जा रहे हैं, यानी ऑब्नॉक्सस मीन्स घृणापूर्ण या घृणास्पद। अगर हम इसे सरलता से बात करें तो हम कह सकते हैं जो परनेसियस होते हैं, जो चीजें डिटेस्टेबल होते हैं, जो एब्हॉरेंट होते हैं या ऑफेंसिव होते हैं, वो घृणास्पद या घृणित होते हैं। अगर ऑब्नॉक्सस के एंटोनिम की बात करें हम, तो हम पाएंगे कि जो अट्रैक्टिव होते हैं, जो ग्रेटिफाइंग होते हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं, डिजायरेबल होते हैं, वो चीजें बेहतर होती हैं, मीन्स प्रसन्नतापूर्ण होती हैं, जो खुशी देती हैं। अगर ऑब्नॉक्सस के हम प्रयोग को देखें तो हम पाएंगे कि ही सेड, उसने कहा सम रियली ऑब्नॉक्सस थिंग्स, कुछ बहुत ही वास्तव में घृणित बातें उसने कही अबाउट हिज फ्रेंड, अपने मित्र के बारे में, एट द पार्टी, उस पार्टी में, यानी पार्टी में अपने मित्र के बारे में उसने कुछ वास्तव में घृणास्पद बातें कही, घृणा से भरी हुई बातें की, यानी ऑब्नॉक्सस जो कि एक एडजेक्टिव है, ऑब्नॉक्सस में घृणापूर्ण या घृणास्पद। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉम्पेल। जब भी हम किसी को कॉम्पेल करते हैं तो हम उसे मजबूर करते हैं, हम उसे बाध्य कर देते हैं, हम उसे बाउंड कर देते हैं, हम उसे फोर्स करते हैं कि वो ये करे।
तो अगर हम कॉम्पेल जो कि यहां पे वर्ब है तो कॉम्पेल की मीनिंग हो जाएगी टू फोर्स टू डू समथिंग, यानी किसी को मजबूर करना, फोर्स करना कुछ करने के लिए, यानी उसे मजबूर कर देना, बाध्य कर देना। अगर हम कॉम्पेल के सिनोनिम्स को देखें तो सामने हमारे फोर्स है, प्रेशर है, प्रेस है, पुश है, अर्ज है, ड्रैग ऑन है। अर्ज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, नॉर्मली जब हम किसी से आग्रहपूर्ण तरीके से कोई चीज कहते हैं तो कि वो मान जाए तो हम उसे अर्ज करते हैं। अगर हम कॉम्पेल के एंटोनिम को देखें तो हम अलाउ कर दें, प्रिवेल कर दें, कन्विंस कर दें या इंड्यूस कर दें, मीन्स हम उसे बाध्य नहीं कर रहे हैं, हम उसे प्रेरित कर रहे हैं, उसके ऊपर छोड़ रहे हैं वैसा करें। अगर कॉम्पेल का हम यूज करें तो दो दो यहां पे यूजेस मैंने दिए हुए हैं। पहला है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हंगर कॉम्पेल्ड हिम टू ईट, यानी भूख ने उसे मजबूर कर दिया टू ईट कि वो कुछ खा ले। एक और प्रयोग मैंने किया हुआ है इलनेस कॉम्पेल्ड हिम, यानी बीमारी ने उसे मजबूर कर दिया टू स्टे इन बेड, कि वह बिस्तर पर पड़ा रहे। आप देख रहे होंगे बेड के साथ इन का प्रयोग किया गया, ध्यान रखें इन बेड होता है। तो इलनेस कॉम्पेल्ड हिम टू स्टे इन बेड, यानी बीमारी ने उसे मजबूर कर दिया कि वो बिस्तर पे पड़ा रहे, यानी कॉम्पेल, कॉम्पेल में इसे मजबूर करना। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको एक वर्ड याद आ जाएगा कंपल्सन, याद है कंपल्सन मीन्स भी होता है मजबूरी, बाध्यता। नेक्स्ट वर्ड है आपका अर्नेस्ट। आप याद करें कोई चीज आप कार्य करते हैं तो उसमें आपकी अर्नेस्ट डिजायर होती है, यानी ईमानदारी से भरी आपकी चाहत होती है, आपकी इच्छा होती कि आप उस चीज को करें। तो अगर आप कोई चीज अर्नेस्टली करते हैं, यानी आप बड़े ही ध्यान से, तत्परता से, ईमानदारी से करते हैं, तो अर्नेस्ट जो कि एक नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, अर्नेस्ट मीन्स सीरियस एंड सिंसियर। जब आप सीरियस हो, सिंसियर हो, नॉट लाइट हार्टेड, उस चीज को हल्के में ना लेते हो और प्लेफुल या मजाक में ना लेते हो, यानी अर्नेस्ट मीन्स तत्पर, ईमानदार या गंभीरता को। अगर हम सिनोनिम्स को लें तो हम पाएंगे जो व्यक्ति सीरियस होता है, जो व्यक्ति सॉलेम होता है, सॉलेमिटी शो करता है, जो व्यक्ति ग्रेव है यानी ग्रेविटी शो करता है, जो व्यक्ति सोबर है मीन्स सोबरिटी शो करता है, जो व्यक्ति ह्यूमरलेस है मीन्स ह्यूमर नहीं शो करता है, जो व्यक्ति स्टेट या सीडेट है वो व्यक्ति गंभीर होता है। अगर हम इसके एंटोनिम्स को देखें तो जो व्यक्ति फेसिसस है वो मजाकिया है, मजाक में लेता है किसी चीज को, जो जोक्यूलर है वो किसी चीज को हंसी में लेता है, जो प्लेफुल है मीन्स किसी चीज को मजाक में लेता है, जो लाइट हार्टेड है वो किसी चीज को हल्के में लेता है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगर हम अर्नेस्ट के यूज को देखें तो हम पाएंगे कि I will accept only an earnest apology. Apology means क्षमा, प्रार्थना, माफी। तो I will accept only an earnest apology. मैं केवल एक गंभीरतापूर्ण apology, यानी क्षमा को ही स्वीकार करूंगा from you, तुम्हारे से। यानी अगर तुम गंभीरतापूर्ण तरीके से अगर क्षमा मांगते हो तभी मैं तुम्हारी क्षमा को स्वीकार करूंगा, यानी तुम्हें माफी दूंगा। तो earnest, earnest means तत्पर या ईमानदार या फिर गंभीरता को। रेस्टिंग, बहुत बार होता है कोई कानून बनता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो उसे तोड़ दिया जाता है, उस करार को समाप्त कर दिया जाता है, तो उसे रेस्टिंग कर देते हैं, मीन्स वर्ब के रूप में रेस्टिंग मीन्स समाप्त कर देना, खत्म कर देना, मीन्स अंत कर देना, तोड़ देना उस चीज को। अगर रेस्टिंग के सिनोनिम्स को हम देखें तो एनल भी वही होता है, एग्रोगेट भी वही होता है, रिवोक भी वही होता है, रिपील भी वही होता है, यानी किसी कानून, किसी अधिकार या किसी करार को तोड़ देना। अगर उस करार को तोड़ने की बजाय हम उसे परमिट करें, उसे ऑथोराइज करें, उसे प्रपोज करें, तो हम तोड़ने की बजाय हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं, करने की अनुमति दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। इसके दो यूजेस मैंने दिए हुए हैं। द कंपनी लेटर रेसेंडेड इट्स ऑफर, यानी कंपनी ने पहले ऑफर दिया था लेकिन बाद में, लेटर बाद में कंपनी ने रेसेंडेड इट्स ऑफर, अपने ऑफर को क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, यानी उसने कहा कि अब ये ऑफर खत्म होता है जो पहले दिया गया था, यानी उसने उसे रेसेंड कर दिया। दूसरा एग्जांपल है आपका द जज हैज रिफ्यूज्ड टू रेसेंड द ऑर्डर, यानी जज ने पहले ऑर्डर दे दिया था लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं रिफ्यूज कर रहा हूं टू रेसेंड द ऑर्डर, उस ऑर्डर को कैंसिल करने से, उसे रेसेंड करने से, यानी मैं अब इस ऑर्डर को रेसेंड नहीं कर सकता, यानी मैं इसे अब
खत्म नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, यानी रेसेंड, रेसेंड मीन्स समाप्त करना, किसी चीज को एंड कर देना, उस ला को, कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को भी ऑफिशियल, आधिकारिक तौर पर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्मैक। स्मैक यहां पर आपको एडवर्ब के रूप में यूज किया गया, वैसे स्मैक मीन्स थप्पड़ भी होता है नाउन के रूप में, स्मैक मीन्स किसी चीज का स्वाद लेना भी होता है वर्ब के रूप में, यहां एडवर्ब के रूप में मैंने दिया आपको स्मैक। स्मैक मीन्स एग्जैक्टली और डायरेक्टली, यानी कोई चीज जो सीधे सीधे हो वह स्मैक होती है। सिनोनिम्स इसके देखें तो एग्जैक्टली, डायरेक्टली या स्ट्रेट, यानी सीधा सीधा। यूजेज इसके दो दिए गए हैं, The ball hit me smack in the face. The ball hit me, उस बाल ने मुझे मारा smack सीधे in the face, यानी चेहरे पर, यानी मेरे चेहरे पर वो बाल सीधे आके क्या हो गए, टकरा गए। She dropped the book smack in the middle of the table. She dropped the book, यानी उसने उस किताब को गिरा दिया smack सीधे in the middle of the table, उस टेबल के बीचों बीच, इन उस टेबल के बीच सीधे उसने उस किताब को ड्रॉप कर दिया, गिर जाने दिया। तो स्मैक एडवर्ब के रूप में, स्मैक में सीधा मीन्स डायरेक्ट। ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड एक बर्फीले तूफान को भी कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा बर्फ जो है वो एक साथ तूफान के रूप में आते हैं। लेकिन इसका ब्लिजर्ड को हम दूसरे सेंस में भी यूज करते हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग दैट कम्स सडनली, यानी किसी चीज की बहुत बड़ी मात्रा यदि एक साथ अचानक आए तो वह ब्लिजर्ड होती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक इकट्ठी अगर होकर आ रही हो तो वह ब्लिजर्ड है। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं, प्लेथोरा हो सकता है, अबंडेंस हो सकता है, सफिशियंसी हो सकता है, एम्पलनेस हो सकता है, अर्थात किसी चीज की बहुत अधिकता, अधिक मात्रा। यूज इसका है, देयर वाज अ ब्लिजर्ड ऑफ मेल अराउंड द हॉलीडेज, यानी ब्लिजर्ड ऑफ मेल, यानी बहुत सारे मेल आए अराउंड द हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान, यानी छुट्टियों के दौरान बहुत सारे मेल एक साथ अचानक आए, यानी देयर वाज अ ब्लिजर्ड ऑफ मेल, यानी बहुत सारे मेल्स आए अराउंड द हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान। तो ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड में किसी चीज की बहुत अधिक मात्रा। ये इडियम है आपका स्टेटस क्वो मीन्स एज इट इज या अनचेंज्ड पोजीशन। बहुत बार आप सुनते होंगे कि अदालतें किसी चीज पर कहती हैं कि जो यथा स्थिति है उसे बनाए रखा जाए, यानी वो चाहती हैं कि स्टेटस क्वो रहे, मीन्स उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए। तो स्टेटस क्वो मीन्स यथा स्थिति। दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी उनके पास एक लीगली प्रोवाइडेड इंटरेस्ट है, मीन्स वैध रुचि है उनकी इन मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो, ताकि उस यथा स्थिति को मेंटेन किया जाए, बनाए रखा जाए, यानी वो चाहते हैं कि उस यथा स्थिति को बनाए रखा जाए जिसमें उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, मीन्स वैध रुचियां हैं उनकी, अर्थात स्टेटस क्वो मीन्स यथा स्थिति, एज इट इज, जिस अवस्था में वो है उसी स्थिति में अगर वो है वो स्टेटस क्वो है। रन इन द सेम ग्रूव, ग्रूव मीन्स आप समझते होंगे कुंज, मीन्स कोई बगीचा। रन इन द सेम ग्रूव मीन्स उसी तरीके से उसी बगीचे में दौड़ना फेरना, अर्थात एक ही विचार का, अच्छे विचारों का होना, मीन्स एडवांस इन हार्मनी। हार्मनी स्पेलिंग यहां HARMONY होगा, हार्मनी। सद्भाव में अगर हम अग्रिम है, आगे हैं, तो वी आर रनिंग इन द सेम ग्रूव, अर्थात सद्भावना में हम आगे हैं। हम अगर यूज देखें, गुड फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज रन इन द सेम ग्रुप, यानी अगर गुड फ्रेंडशिप से अच्छी मित्रता है, शुड ऑलवेज रन इन द सेम ग्रुप, तो दोनों के बीच जो भी मित्र हैं उनके बीच समान प्रकार की सद्भावना होना चाहिए, जिसमें उन्हें आगे होना चाहिए। तो रन इन द सेम ग्रुप मीन्स एडवांस इन हार्मनी, सद्भावना में अग्रे। लास्ट स्ट्रॉ, बहुत बार आपने चीजों को फेस किया होगा और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका धैर्य होता है अंततः जाकर के वो जवाब दे देता है। तो जब आप अंतिम सीमा पे आ जाए, आपका धैर्य जो है वो अंतिम सीमा पे हो, तो आप लास्ट स्ट्रॉ पे हैं, मीन्स द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस। स्ट्रॉ में समझते हैं हमने तिनका, अर्थात उसके बाद कुछ आपके पास नहीं बचा हुआ। तो लास्ट स्ट्रॉ मीन्स द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस, मीन्स धैर्य की अंतिम सीमा या अंतिम परीक्षा।
She has always been rude to me. यानी वो हमेशा मेरे साथ अशिष्ट या अभद्र रही है, उसने गलत व्यवहार किया मेरे साथ. But it was the law sister. लेकिन मेरी सहन सीमा की, मेरा सहन शक्ति खत्म हो गई. कब? When जब she started insulting my mother. लेकिन जब उसने मेरी माँ का अपमान करना शुरू कर दिया, मैं जो सहन शक्ति थी, मेरी धैर्य की सीमा थी, वो समाप्त हो गई. यानी लास्ट स्ट्रा में धैर्य की अंतिम सीमा या सहन शक्ति, जिसे हम तब तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं जब तक वो हमारे अंदर बनी रहे. टू हिट बिलो द बेल्ट. बहुत बार होता है युद्ध का एक नियम होता है, लड़ाई का एक तरीका होता है, लेकिन अगर युद्ध के उस नियम या लड़ाई के उस तरीके से इतर हम अगर नाजायज तरीके अपनाते हैं तो हम बिलो द बेल्ट हिट करते हैं. यानी टू हिट बिलो द बेल्ट मीन्स टू अटैक अनफेयरली, अर्थात गलत तरीके से प्रहार करना, उन जगहों पर उन तरीकों से प्रहार करना जो उस समय जायज नहीं हो सकते, अर्थात बेईमानी करना, नाजायज तरीके इस्तेमाल करना, ये टू हिट बिलो द बेल्ट हो जाएगा. द चैंप हिट द कंटेंडर बिलो द बेल्ट. यानी इस चैंपियन ने बिलो द बेल्ट प्रहार किया उस प्रतियोगी पर. एंड द क्राउड बिगेन टू बू द रेफरी. यह एक वर्ड है बू. बू मीन्स किसी का उपहास करना या फिर किसी का मजाक उड़ाना या किसी के प्रति घृणापूर्ण शब्द बोलना. जब आप किसी का मजाक उड़ाने लगते हैं तो आप उसे बू करते हैं. तो जैसे ही ऐसा हुआ, जैसे चैंप ने बिलो द बेल्ट प्रहार किया कंटेंडर पर, वैसे ही क्राउड ने रेफरी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि रेफरी ने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया था. तो टू हिट बिलो द बेल्ट मीन्स किसी पर नाजायज तरीके से, गलत तरीके से प्रहार करना. क्लोज द बुक. बहुत बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका चैप्टर खत्म करते हैं, अर्थात इसका मसला जो है वो समाप्त होता है, अब हम इस चीज पर और बात नहीं करेंगे. तो अगर हम किसी चीज पर और बात करना पसंद नहीं करते हैं, इट मीन्स हम क्लोज द बुक कर रहे हैं, idiom है. और इसका मीनिंग अगर लें हम तो टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, अर्थात किसी पर काम करना, किसी चीज के बारे में सोचना, बातें करना बंद कर देना, मीन्स किसी से संबंधित बातें समाप्त कर देना, अर्थात अब उस पर और आगे पढ़ने की जरूरत न होना. तो क्लोज द बुक का यूज है. इट इज टाइम टू क्लोज द बुक ऑन रोहित. नहीं, रोहित से संबंधित बातें हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि ही हैज, यहाँ पे हैड हो जाएगा, ही हैज हैड एनफ टाइम टू अपोलोजाइज टू अस, क्योंकि उसने, उसको बहुत समय दे दिया गया है. टू अपोलोजाइज टाइम टू अस, यानी अब उसको माफी मांगने का इतना अधिक समय दिया जा चुका है, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया, तो इट इज टाइम टू क्लोज द बुक ऑन रोहित. तो अतः रोहित पर उस चैप्टर को बंद करने का समय आता आ गया. ध्यान रखिएगा, he has had होगा यहाँ पे, यानी has के बाद हमेशा verb की third form यूज करते हैं. तो क्लोज द बुक में किसी से संबंधित बातें समाप्त कर रहा हूं. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके, मीन्स सिमेट्री. ये केवल वन वर्ड्स में ही नहीं दिया जाता है वर्ड, ये आपके स्पेलिंग एरर में भी वर्ड आपको दिया जाता है, तो अगर यहां मेहनत करेंगे तो आपके काम आएगा ये. तो सिमेट्री मीन्स कब्रिस्तान, अर्थात अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड. बरीड समझते होंगे, बरी मीन्स दफन करना होता है. तो अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड, यानी कब्रिस्तान जहां मरे हुए लोगों को दफन किया जाता है, उसे हम सिमेट्री कहते हैं, मीन्स कब्रिस्तान कहते हैं. यूज अगर देखें, मेनी ऑफ द सोल्जर्स, यानी बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स थे हु डाइड इन द बैटल, जो उस युद्ध में मारे गए थे, आर बरीड इन अ सिमेट्री नियर बाई. नियर बाई एक एडवर्ब यहां पे, यानी पास के ही सिमेट्री में उन्हें क्या कर दिया गया है, दफन कर दिया गया है. यानी सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स कब्रिस्तान. एक वर्ड है आप शायद समझते होंगे, डिटेन कर देना, DETAIN. डिटेन मीन्स किसी को नजरबंद कर देना, रोक देना, निरोधित कर देना, अवरोध उत्पन्न कर देना. उसी डिटेन से, डिटेंशन आपका है नजरबंदी या निरोध या क्या है. यूज देखेंगे, द एक्शन ऑफ, सॉरी इसका मीनिंग है द एक्शन ऑफ डिटेनिंग समवन इन ऑफिशियल कस्टडी, यानी किसी को आधिकारिक कस्टडी में, अपनी गिरफ्तारी में लेना, especially as a political prisoner. सामान्यतः ये वर्ड तभी यूज करते हैं जब वो जो कस्टडी में प्रिजनर है वो पॉलिटिकल हो, अर्थात राजनीति से संबंधित व्यक्ति हो, तो हम उसे डिटेंशन में डाल देते हैं, मीन्स उसे हम नजरबंदी या कैद में डाल देते हैं. अगर यूज देखें हम,
वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ पुलिस डिटेंशन, यानी पुलिस डिटेंशन का अगर कोई एक प्रभाव पड़ता है इस वो ये होता है आइसोलेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि हम अपने परिवार से अपने मित्रों से हम आइसोलेशन, आइसोलेटमेंट होता है अलग थलग हो जाना, यानी हम अपने मित्रों और परिवारजनों से हम बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं यदि पुलिस डिटेंशन किया जाता है, यानी पुलिस की कस्टडी में या उसकी नजरबंदी में हम आ जाते हैं। तो यहां देख रहे होंगे कि वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है और जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, ये भी आप ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है मोर, एक वर्ड आप जानते होंगे मोर्चरी, MORTURY, मोर्चरी मीन्स भी मुर्दा घर होता है, तो मोर मीन्स भी मुर्दा घर। तो थोड़ा सा डिफरेंट वे है कि अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, यानी वो स्थान जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है, फॉर आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर उनको क्लेम करने के लिए, यानी कि कोई आए कहे कि जो डेड बॉडी है वो मेरे परिवार से बिलोंग करती है, तो ये मोर होता है मुर्दा घर। अगर हम यूज देखें तो द कैविडर्स वर बैग्ड, कैविडर्स मीन्स लाशिंग डेड बॉडीज, द कैविडर्स वर बैग्ड यानी वो जो लाशें थी उन्हें बैग कर दिया गया, मीन्स उन्हें बांध कर रख दिया गया, एंड रिमूव्ड टू द सिटी मॉल, और शहर के मुर्दा घर में लेकर उन्हें निकाल दिया गया, यानी मॉर्ग, मॉर्ग मीन्स मुर्दा घर। बहुत बार ये वर्ड एग्जाम्स में दिया गया आपको, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी या बागवानी की कला, यानी उद्यान विद्या, यानी किस तरीके से हम फूलों को, फलों वगैरह को, प्लांट्स वगैरह को डेवलप करते हैं, उन्हें कल्टिवेट करते हैं, यही हमारा हॉर्टिकल्चर हमको सिखाता है, यानी द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी इनका हम किस तरीके से कल्टिवेशन करते हैं, इन्हें उत्पन्न करते उपजाते हैं, यही हॉर्टिकल्चर होता है। यूज अगर हम देखें, द टीचर वांट्स टू टेल अस, यानी जो अध्यापक हमें बताना चाहते हैं हाउ, कि कैसे हॉर्टिकल्चर हैज इवॉल्वड ओवर द लास्ट 200 ईयर्स, यानी पिछले 200 सालों में किस तरीके से हॉर्टिकल्चर जो है इवॉल्व विकसित हुआ है, इसी के बारे में टीचर हमको बताना चाहते हैं, यानी हॉर्टिकल्चर बागवानी या उद्यान विद्या। वन वर्ड में अंतिम वर्ड हमारा है ट्रिवियलाइज, आप इस समझते होंगे ट्रिवियल मीन्स तुच्छ होता है, एक ऐसी चीज जिसकी कोई इंपॉर्टेंस बहुत ना हो, कम महत्व हो, तो उसी में लास्ट में आई सेड ए, आप जानते हैं किसी शब्द के अंत में अगर ई एन होता है, किसी शब्द के अंत में अगर आई सेड ई है, अगर आई एस सी है, अगर किसी शब्द के अंत में आई एफ वाई है, तो नॉर्मली वो एक वर्ब होता है, तो यहां ट्रिवियल को वर्ब बना दिया गया है, ट्रिवियलाइज मीन्स महत्वहीन बना देना, किसी चीज को छोटा साबित कर देना, आप एक वर्ड जानते होंगे बी लिटिल कर देना, मीन्स उसके महत्व को घटा देना, अपमानित कर देना, तो ट्रिवियलाइज भी ऐसे ही है, महत्वहीन बना देना, मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, यानी कुछ ऐसा करना उसका महत्व कम प्रतीत हो, सिग्निफिकेंट उसका महत्व कम प्रतीत हो, ट्रैफलिंग या फिर उसको तुच्छ बना देना। अगर हम ट्रिवियलाइज का यूज करें तो द प्रॉब्लम वॉज आइदर ट्रिवियलाइज्ड, वो जो समस्या थी या तो उसे छोटा बना दिया गया और इग्नोर्ड, या फिर उसे नजरअंदाज कर दिया गया बाय टीचर्स यानी अध्यापकों द्वारा, यानी अध्यापकों ने उस समस्या को या तो छोटा बना दिया या बिल्कुल ओवरलुक कर दिया, मीन्स इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, तो ट्रिवियलाइज किसी चीज को छोटा साबित कर देगा। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके पास लास्ट सेगमेंट में, पहला है बी टेकन इन, अक्सर आप कहते हैं ही वाज टेकन अबैक, वो चौंक गया, मीन्स वो धोखा खा गया, उसे जिस चीज की अपेक्षा नहीं की वो हो गया, तो बी टेकन इन मीन्स बी डिसीव्ड, धोखा खा जाना या चकमा खा जाना, चौंक जाना, यही टेकन इन होता है आपका। यूज अगर देखें, इट इज ट्रू दैट यू आर इंटेलिजेंट, सच है कि आप बुद्धिमान हो, बट यू आर लाइकली टू बी, जहां लाइकली टू बी का प्रयोग होता है वहां पे संभावना की मात्रा दिखाई जाती है, बट यू आर लाइकली टू बी टेकन इन बाय इंपोस्टर्स, इंपोस्टर्स मीन्स ठग, धोखेबाज, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है टू बी टेकन इन बाय इंपोस्टर्स, कि जो ठग हैं, धोखेबाज हैं, वो आपको धोखा दे जाए, यानी हो सकता है कि आप बुद्धिमान हो, ये सच है, लेकिन आप ठगों के द्वारा, धोखेबाजों के द्वारा संभावना है कि आप धोखा खा जाए, तो टेकन इन मीन्स बी डिसीव्ड, मीन्स धोखा खा जाए। सी थ्रू,
ध्यान से देखें आप, सी थ्रू अर्थात किसी चीज के थ्रू समझ लेना, उसकी सच्चाई को भांप लेना। तो सी थ्रू मीन्स टू रियलाइज द ट्रुथ, यानी जो सच्चाई है, वास्तविकता है, अगर आपसे तार ले रहे हैं, उसे समझ ले रहे हैं, इट मीन्स आप सी थ्रू कर ले रहे हैं, यानी सच्चाई भांप जाना। वी सा थ्रू हिज सुपरफेसियल चार्म, यानी हमने उसके जो बाहरी आकर्षण था, चार्म था, उसे हमने भांप लिया, समझ लिया हमने। तो सी थ्रू मीन्स टू रियलाइज द ट्रुथ। नेक्स्ट आपका है वर्क आउट। वर्क आउट क्या होता है? किसी समस्या को हल कर लेना, मैं उसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या हल कर लेना, वर्कआउट कर लेना। दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, लड़का बहुत बुद्धिमान है, एंड कैन वर्क आउट एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और कोई भी अगर कठिन समस्या है वह हर हाल में इसका हल निकाल लेगा, यानी वर्क आउट मीन्स सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या हल कर लेना। ट्रंप अप, ट्रंप अप को आप चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा याद कर लें। ट्रंप अप मीन्स टू फैब्रिकेट, किसी चीज को गढ़ लेना, मनगढ़ंत तरीके से बना लेना, बहाना बना लेना। अगर यूज देखें, द बॉय ट्रंप्ड अप, यानी लड़के ने मनगढ़ंत कहानी बना ली टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीटिंग, ताकि अपने आप को वो पिटाई से बचा सके वो, यानी ट्रंप अप मीन्स फैब्रिकेट कर लेना, किसी चीज को बहाना बना लेना, गढ़ लेना उसे। लास्ट वर्ड आपका है ड्रॉप इन, यानी टू पे अ शॉर्ट विजिट। अक्सर आप कहीं जा रहे होते हैं, अचानक आपके मन में आता है कि चलो उनसे मिलते चलते हैं, तो अगर आप उनसे मिलने चले जाते हैं तो आप ड्रॉप इन करते हैं, मीन्स एक मिलने चले आते हैं, छोटी सी यात्रा पर चले जाते हैं उनके यहाँ। तो ड्रॉप इन का अगर यूज देखें, आई थॉट आई वुड जस्ट ड्रॉप इन, मैंने सोचा कि मैं आपके यहाँ आऊं एंड सी हाउ यू आर, और ये देखो कि आपका हाल चाल क्या है। एक्चुअली पहले क्लास आपके चूंकि पास्ट में थे, इसलिए हाउ यू आर की बजाय हाउ यू वर यूज किया गया है, क्योंकि तो पहली क्लास अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट में होती है, हमारी सबॉर्डिनेट क्लास भी पास्ट हो जाती है। तो ड्रॉप इन मीन्स मिलने आना, किसी से आपका मन कर देना कि मिलने चले तो ड्रॉप इन करना है। एक चीज जो समझना है, जो आपसे मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो वर्ड्स हैं इसमें शुरू के जो 10 हैं वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में आपको दिए गए हैं, अगले जो 5 हैं वो आपको एडियम्स के रूप में, फ्रेजेस के रूप में आपको दिए गए हैं, अगले जो 5 हैं वो वन वर्ड्स के रूप में आपको दिए गए हैं, और लास्ट के जो 5 हैं वो आपको फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं। ये सारे आपके केवल वर्ड पावर में काम आए। अगर आप फ्रेजल वर्ब की बेहतर प्रिपरेशन करते हैं तो आप जानते होंगे क्लोज टेस्ट वगैरह में और फिल इन द ब्लैंक्स में काम आता है। अगर वन वर्ड्स आप बेहतर प्रिपरेशन करते हैं, या आप जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, वहां वो वर्ड्स आपके काम आते हैं। तो अगर आप इन पे मेहनत करते हैं, केवल वर्ड पावर ही आप इन्हें आप समझते होंगे, चाहे सीएचएसएल के पेपर दे रहे हो, चाहे सीजीएल का पेपर दे रहे हो, चाहे बैंक का दे रहे हो, हर जगह वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप इन पे मेहनत करते हैं तो हर जगह आप इनका यूज कर सकते हैं, और मेरी इन्हें इस तरीके से देने की मंशा सिर्फ इतनी ही है कि आप सफल हों, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं, हर टीचर चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है सफल हों, जिंदगी में आगे बढ़े। तो एक छोटा सा प्रयास है जो आगे जारी रहेगा, और आगे मैं इसके अलावा आपको कॉमन एरर्स हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ, एडिटोरियल के थ्रू हुआ, इस सारी चीजों में मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। आप भरोसा करें, मेहनत करें, पर डे बना लें, शेड्यूल बना लें कि हमें थोड़े थोड़े करके प्रिपेयर करना है। इसमें उस सारे वर्ड्स जो हैं जो आपके कंपटीशन में आपको दे जाते हैं, जो द हिंदू पेपर है, नव भारत टाइम्स आपका है, ये सारे ऐसे पेपर जिनके वहां से लेकर के इसमें डाला गया है, ताकि आपके कंपटीशन में वर्ड्स आपको मिल जाए। इसी सदिच्छा के साथ धन्यवाद।